एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से पार्टी बन हेयर स्टाइल, जो कि सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसे एक रबड़ बैंड की मदद से कैसे आप पार्टी बन हेयर स्टाइल बना सकते हो, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सेकेंड चैनल सिलाई कोर्स है प्रीत तिवारी 2, जिसपे मैं सिलाई कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और इंस्टा आई डी पर मैं अपनी फनी वीडियो डालती रहती हूँ, इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से सेंटर से फ्रेंच ब्रेड बनाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से बनाते जाएंगे पूरा क्राउन एरिया तक आपको ये फ्रेंच ब्रेड बनाना है। बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप पार्टी में शादी में ये हेयर स्टाइल बना रहे हो तो, गाउन के साथ, लहंगे के साथ या फिर साड़ी के साथ, जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो, सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से आप ये ब्यूटीफुल सा बन यहाँ पे बना लोगे। तो किस तरीके से बना रही हूँ देखिएगा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते हुए पूरी फ्रेंच ब्राइड मैंने क्राउन एरिया तक अपनी बना ली है। बाकी बचे हेयर को सिंपली बना लेंगे चोटी। रबर बैंड के साथ साथ इसमें थोड़ी सी यूपिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इतना बनाने के बाद से मैं यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड ऐड कर लूँगी, जिससे कि मेरा जो ब्रेड है वो खुल ना जाए। बाद में आप ये रबड़ बैंड ये रिमूव कर सकते हो, आप चाहो तो क्लिप की मदद से भी इसको होल्ड कर सकते हो। इसके बाद मैं अपने ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा खींच के वॉल्यूम का लुक वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से खींचने से, दोनों साइड से खींच लेंगे। पूरा एंड पार्ट तक, मतलब यहाँ से जहाँ से हमने ब्रेड स्टार्ट की थी वहाँ तक इस तरीके से खींच ले रही हूँ मैं। इसके बाद आपको यहाँ से भी इसी तरीके से फ्रेंच ब्रेड बनानी है। इसी तरीके से सेम आपको दूसरी साइड से भी बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ये चोटी फ्रेंच ब्रेड, इसी तरीके से आपको इस साइड में भी बनाना है। तो इधर का मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ, उस साइड उसके जैसे इधर बनाया है सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड बनाना है। बहुत ही प्यारा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके हेयर पतले हल्के हैं तो भी ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा आपके बालों पे। तो इधर के भी हेयर को मैं होल्ड कर दे रही हूँ एक रबड़ बैंड से, जिससे कि मेरे जो चोटी है वो खुल ना जाए एंड हेयर स्टाइल का लुक ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा खींच के वॉल्यूम आ जाए बालों में, इसके लिए खींच ले रही हूँ ब्रेड को। ओके, अब सेम इसी तरीके से आपको
इस साइड भी बनाना है। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो और पूरा हेयर स्टाइल भी देख पाओ आप, कहीं से स्किप भी ना करना पड़े। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे और अपना चोटी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे खुद से बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो ये हेयर स्टाइल बनाने में। यहाँ पे भी मैं एक रबर बैंड ऐड कर दूँगी, मैं मोटा बड़ी बैंड यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि इसको मेरे को बाद में रिमूव कर देना है। और अगेन थोड़ा थोड़ा खींच के बालों को वॉल्यूम का लुक देंगे यहाँ पे। ओके, अभी आपको सारे बालों को एक साथ ले लेना है और एक पोनी बना देनी है। तो सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से मैं ये हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। जो रबर बैंड हमने लगाया था उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रही हूँ। और ये ब्यूटीफुल सा पार्टी बन बन के आपका रेडी होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बना लिया है मैंने, और बाकी हेयर्स को ओपन कर लेंगे जो भी हमने ब्रेड इसमें आई थी चोटी में। ओके, अभी क्या करना है आपको, सिंपली थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से, फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करना है, देन अपने सारे हेयर को इसके अंदर इस तरीके से ले लेना है और इसको लूज कर देना है। अच्छे से लूज करने के बाद से अगेन इधर के रबड़ बैंड में फिंगर को इंसर्ट करना है और हेयर को इस तरीके से खींच लेना है। ओके, अब इसको लूज करने के बाद से आपको चाहिए यूपिन यहाँ पे अपने हेयर स्टाइल को पार्टी लुक देने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूपिन्स ले ले रही हूँ और कैसे लगाना है वो देखिएगा ध्यान से। जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे लूज किया हुआ हेयर को, तो यहाँ से थोड़ा सा हेयर पकड़ा इस तरीके से और इस साइड में ला के स्कैल्प के हेयर के साथ यूपिन के साथ अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया। फिर से आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर पकड़ा, कहीं से भी कोई सा भी लेयर लेके आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया, इसको भी पकड़ा, यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा लेयर लिया, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब इस तरीके से बनाना है कि आपका जो पूरा बन का लुक है वो मैसी लुक में बदल जाए और आपका जो बन है वो पार्टी बन बन जाए, और हल्के पतले बालों में भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। वाओ, तो ये ब्यूटीफुल सा हमारा पार्टी बन सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे बनाना है आपको ये हेयर स्टाइल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर देती हूँ हेयर को जिससे कि लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाए। इसके साथ आप झुमका, बड़ी बड़ी बालियाँ जो चाहो वो पहन सकते हो अपने हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक, और अपना लुक, खुद का लुक अच्छा बनाने के लिए। तो आपने देखा इसमें मैंने कोई डोनेट बन यूज नहीं किया है, सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से इतना सुंदर सा पार्टी बन
बना के बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक है। ये जो हमारा हेयर निकला हुआ है, इसको हम पतले दांतों वाली कॉम से इस तरीके से, या फिर इस तरीके से पतले दांतों वाली कॉम से ऊपर की तरफ सेट कर देंगे, जिससे कि हमारा लुक जो होगा वो थोड़ा तो ये है मेरे हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। मैंने इसके साथ इस तरीके की झुमकी पहनी है। आप जैसा आपके पास इयररिंग्स है आप वो पहन सकते हो। तो सिर्फ एक रबर बैंड से आप ये हेयर स्टाइल पार्टी में, शादी में, फंक्शन में ट्राई कर सकते हो। साड़ी के साथ, सूट के साथ, गाउन के साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।